अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद पर भारत को हल्का क्यों रहे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, चीन का कनेक्शन जाने। भारत की अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद को लेकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तानी सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी खरीद उनके भी देश को ड्रोन शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके लिए पाकिस्तान को चीन की मदद की जरूरत पड़ेगी। भारत के अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ भारत अमेरिका के सौदे का तरह तरह के विश्लेषण भी कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक प्रमुख सैन्य विशेषज्ञ बिलाल खान ने कहा है कि भारत की अमेरिका से MQ-9 रीपर जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबे समय तक हवा में मौजूद रहने वाले ड्रोन की खरीद पाकिस्तान को इसी तरह के प्लेटफॉर्म में और अधिक निवेश करने के लिए मजबूर कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस डील से खासकर पाकिस्तानी नौसेना को खतरा है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले ही ड्रोन मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इन ड्रोन को चीन और तुर्की से खरीदा है। उसके पास कुछ स्वदेशी ड्रोन भी हैं, लेकिन वे उतने ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन का अभाव है। वहीं भारत ने कई उन्नत ड्रोन को अपनी सेना में शामिल कर पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत द्वारा MQ-9B रीपर्स का अधिग्रहण देश की खुफिया निगरानी और तुही ISR क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकते हैं और 24 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट और उच्च रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों सहित व्यापक क्षेत्रों में लगातार ISR प्रदान किया जा सकता है। MQ-9B की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित ऊंचाई और सहनशीलता क्षमताओं वाले मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले UAV पर पाकिस्तान की वर्तमान निर्भरता समुद्री क्षेत्रों या उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी में बाधाएं पैदा कर सकती है। पाकिस्तान वायु सेना PAF ने हाल ही में तुर्की के बाइकर समूह से बायर कतर अकेंसी UAV को शामिल किया है, जो पाकिस्तान के UAV बेड़े में एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। तुर्की का सबसे उन्नत UAV अकेंसी 1,350 किलोग्राम की पेलोड क्षमता का दावा करता है और हवा से जमीन पर हमला, ISR और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित कई तरह के मिशनों का संचालन कर सकता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के पास तुर्की, चीनी और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले कई ड्रोन हैं। ये ड्रोन पाकिस्तान को भूमि और समुद्री सीमाओं पर महत्वपूर्ण ISR और स्ट्राइक क्षमताएं प्रदान करते हैं। विश्लेषकों का सुझाव है कि पाकिस्तान अपनी क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले UAV तकनीक में अनुभव रखने वाले सहयोगियों की ओर देख सकता है। इसमें चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। चीन के विंग लूंग और CH-5 UAV पाकिस्तान को किफायती क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की के बायर कतर ड्रोन पाकिस्तानी सेना को बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं।